हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन ओपनर्स के बारे में जिनको आरसीबी की टीम आईपीएल 2021 ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। और दोस्तों, आईपीएल 2021 में मिनी ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पे गाइस अब ऑप्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। ज़्यादा खिलाड़ी नहीं आएंगे ऑक्शन में, जिसके बाद दोस्तों बहुत कम खिलाड़ी आपको दिखेंगे ऑक्शन में। और आरसीबी की टीम को दोस्तों आईपीएल 2020 में एक तगड़ा ओपनर नहीं मिला, जहाँ पे गाइस एरन फिंच और जोशुआ फिलिप मौजूद थे। लेकिन गाइस दोनों ही प्लेयर्स जो है वो फ्लॉप रहे आईपीएल 2020 में। देवदत्त पड़िक्कल दोस्तों एक ओपनर होने वाले हैं आईपीएल 2021 में, लेकिन दूसरा ओपनर दोस्तों आरसीबी की टीम जो है वो ऑक्शन में ढूंढने वाली है और बोली लगाने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ओपनर के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में करो नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको वैसे हमारे चैनल और आरसीबी से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। अब दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आईपीएल 2021 में दोस्तों मेगा ऑक्शन होने वाला था और हम मेगा ऑक्शन का इंतजार कर भी रहे थे। लेकिन दोस्तों 24 दिसंबर को जो मीटिंग हुई एजीएम में, वहां दोस्तों पूरा क्लियर हो गया है कि मिनी ऑक्शन होने वाला है आईपीएल 2021 में। और आईपीएल 2022 में जो है वहां आपको मेगा ऑक्शन दिखने वाला है। तो आईपीएल 2021 में आपको मिनी ऑक्शन दिखेगा और 8 टीमें खेलती हुई दिखेगी, जिसके बाद दोस्तों ऑक्शन जो है वो इतना बड़ा नहीं होने वाला। आपको बहुत कम खिलाड़ी दिखेंगे ऑक्शन में। और दोस्तों अब जो ऑप्शंस जो है वो आरसीबी की टीम के पास ओपनर चुनने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन खिलाड़ी के बारे में जो कि आरसीबी टीम के लिए आईपीएल 2021 ऑक्शन में ओपनिंग की भूमिका निभा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पहले खिलाड़ी की, तो नंबर वन पे नाम आता है जेसन रॉय का। जेसन रॉय दोस्तों आईपीएल 2020 में नहीं खेले, इंजरी की वजह से ये बाहर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2021 में ये ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। और दोस्तों काफी कमाल के खिलाड़ी है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ ओपनर भी ये माने जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों ये आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा होंगे और आरसीबी की टीम के ये पहले टारगेट होने वाले हैं। गाइस बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, तो नंबर दो पे नाम आता है टिम सैफर्ट का। टिम सैफर्ट ने दोस्तों हाल ही में T20 मैचों में कमाल का परफॉर्मेंस किया है। न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं इंटरनेशनल में, लेकिन दोस्तों आईपीएल में अभी तक इनको जगह नहीं मिली है। आईपीएल में इन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, जिसके बाद दोस्तों टिम सैफर्ट जो ऑक्शन का हिस्सा होंगे। और गाइस ये भी ताबड़तोड़ ओपनर है, हो सकता है कि आरसीबी की टीम इनको अपनी टीम में शामिल करे। बात करते हैं दोस्तों अगले खिलाड़ी की, तो अगले पे नाम आता है दोस्तों मार्टिन गप्टिल का। मार्टिन गप्टिल दोस्तों आईपीएल पहले भी खेल चुके हैं, आईपीएल 2020 में अनसोल्ड ये गए थे। लेकिन दोस्तों ये तब कमाल के ओपनर है और हो सकता है आरसीबी की टीम इनको भी अपनी टीम में शामिल करने का सोचे। बात करें दोस्तों नंबर चार की, तो नंबर चार पे नाम आता है टॉम बेंटन का। टॉम बेंटन दोस्तों केकेआर की टीम में अभी मौजूद है, लेकिन चांसेस जो है दोस्तों ये है कि केकेआर की टीम इनको रिलीज करने वाली है आईपीएल 2021 मिनी ऑक्शन में, जिसके बाद दोस्तों टॉम बेंटन भी कमाल के खिलाड़ी है और आरसीबी की टीम में चाहेगी कि ये टॉम बेंटन जो है वो आरसीबी की टीम में शामिल हो। बात करें दोस्तों एक और खिलाड़ी की, तो एक और खिलाड़ी यहाँ पे है डेविड मलान। डेविड मलान दोस्तों मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं आईपीएल 2021 मिनी ऑक्शन में, क्योंकि दोस्तों बहुत सी टीमें इनके पीछे जाने वाली है। T20 में नंबर वन रैंकिंग इनके भी है बैट्समैनों में, और यही कारण है दोस्तों कि आईपीएल 2021 ऑक्शन में ये सबसे महंगे खिलाड़ी जाने वाले हैं। तो गाइस ये है सबसे बेस्ट ऑप्शन, लेकिन दोस्तों बहुत सी टीमें इनके पीछे जाने वाली है, इसलिए मुश्किल है ये आरसीबी की टीम में आए। लेकिन आरसीबी की टीम दोस्तों डेविड मलान पे बोली लगाएगी मिनी ऑक्शन के दौरान। तो गाइस बात करते हैं एक और खिलाड़ी के बारे में, और इस खिलाड़ी का नाम है क्रिस लिन। क्रिस लिन दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम में मौजूद थे आईपीएल 2020 में, एक भी मैच में इनको मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद दोस्तों हो सकता है मुंबई की टीम इनको रिलीज करे या करे ट्रेड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्रिस लिन के भी बहुत ज्यादा चांसेस आरसीबी की टीम में आने के आईपीएल 2021 मिनी ऑक्शन के दौरान। बात करते हैं दोस्तों एक और खिलाड़ी के, तो गाइस इस खिलाड़ी का नाम है एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स दोस्तों अनसोल्ड बिके थे आईपीएल 2020 में, लास्ट टाइम इन्होंने जब आईपीएल खेला था तो गाइस वो सीजन था आईपीएल 2018, उसके बाद दोस्तों अनसोल्ड होते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये भी एक ऑप्शन है ओपनर के आरसीबी की टीम के लिए। अब गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इन सात ओपनर में से कौन सा ओपनर सही लग रहा है जो कि आरसीबी की टीम में सही बैठेगा आईपीएल 2021 ऑक्शन में, और किस खिलाड़ी के ज्यादा चांसेस आरसीबी की टीम में आने के आईपीएल 2021 मिनी ऑक्शन के दौरान। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना, साथ में दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिए, ताकि आपको वैसे ही हमारे चैनल की डेली न्यूज मिलती रहे।